कोइला रॉयल्टी वृद्धि नहीं ओडिशार प्रस्ताव को रोकठोक मना कर केन्द्र सरकार ए संपर्कित समस्त संभावना को प्रत्याख्यान कर विभाग मंत्री गतकाली राज्यसभा कोइला रॉयल्टी वृद्धि नहीं केन्द्र सरकार पदक्षेप ग्रहण करुछंती प्रश्न करते विपुल परिमाणर कोइला जोगाई देउथिबा ओडिशा फळी राज्य पई रॉयल्टी वृद्धि करा कौन योजना रही कि बोली प्रश्न करा देइथिबा बेले यार उत्तर रखिछंती केन्द्र कोइला खड़ी और संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी मंत्री उत्तर एभली संकेत देछि जहां ओडिशा समेत कोइला जोगाई देउथिबा राज्य गुड़िक उद्दिष्ट अत्यंत दुर्भाग्यजनक ओडिशा जो खनिज संपद जहाँ को नहीं आम समस्ते आम संपद को विनियोग कर आवश्यकता अच्छी केन्द्र सरकार ठिकना भाव से कार्यटा को विचार करना एवं कोइला रॉयल्टी आज नुहे तार ड्यू हो गला गोटे प्रोविजन होता सबू आम निष्पत्ति केन्द्र सरकार सब मुख्यमंत्री मान समस्त निष्पत्ति चार वर्ष करवाई कि रॉयल्टी वृद्धि होनी अवधि पूरी गला भावुच केन्द्र सरकार जो अवहेलार ये अन्यतम अत्यंत दुर्भाग्यजनक कथ जो मैंने स्पष्ट करूनाशार न्याज दाबी को उपेक्षा करुँचे प्रतिभा कोइला रॉयल्टी कहीं रिविजन करूना राज्य सरकार लिखु चिठी लिखु आलोचना करूँ जे व्यवस्था आप मैंडेटोरी अच्छी तीन थर वर्ष रिविजन होगा कथा आमको आमर एत लस हो दिजो डिमाण कर कौन असुविधा मैंडेटोरी जोटा अच्छी तीन वर्ष रिविजन करार व्यवस्था अच्छे राज्य सरकार चिठी लिखे रॉयल्टी दाबी रखे असुविधा कौन ये कही आमको मिनरल रॉयल्टी 20% हार दि जाऊपर गोटे समय आसला 18% को दिया तो सी गोटे है ना तीन वर्ष छाड़कर बर्तमान आसिक छत वर्ष पहुँचला एलानी जदि रॉयल्टी वृद्धि होता ये गोटे प्रिजम्पशन मु कारण केते बढ़े था केते परसेंटेज बढ़े था जो रेट्रे अच्छे से ही रेट्रे भी जदि आम पाई ये गत 5-6 वर्ष है जो रॉयल्टी वृद्धि होना पखापाखी ए बाबत आम 70-72 हजार कोटी टंका हरेइछु।